ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर जयपुर से है। जयपुर में जलदाय विभाग के जवाहर नगर सब डिवीजन कार्यालय में सरकारी रिकॉर्ड लापरवाही के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से ये रिकॉर्ड पूरी तरह से भीगकर खराब हो गया। दरअसल नवंबर 2019 में मरम्मत कार्य के लिए 15 लाख रुपए की लागत का टेंडर एक कंपनी को दिया गया था, जो अप्रैल में पूरा किया जाना था। वहीं फर्म ने मार्च में ही सिविल कार्य को बिना सूचना के बंद कर दिया और कार्यालय को जर्जर अवस्था में ही छोड़ दिया गया। इधर हाल ही में तेज बारिश के कारण कार्यालय में पानी भर गया, जिसकी वजह से रखे सरकारी रिकॉर्ड भीग गए और पानी में तैरने लगे। और इतना ही नहीं, कार्यालय में करंट तक दौड़ पड़ा। इस दफ्तर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। जलदाय विभाग में अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारों की मन मर्जी का जीता जागता नमूना अब सामने आया है। जलदाय विभाग के जवाहर नगर दफ्तर में किस तरह के हालात है, यह पहली बारिश में खुलकर सामने आ गए। हालात ये है कि तमाम जो दफ्तर की जो रूम है, जो बिल्डिंग है, वो तहस नहस होने के कगार पे है और पूरा रिकॉर्ड पानी में भीग गया है, पूरा रिकॉर्ड खराब हो गया है। छत से पानी टपक रहा है और ये सरकारी दस्तावेज है, उनकी हालत आप देख सकते हैं कि पानी में पूरी तरह से भीगे हुए हैं और ये नष्ट हो चुके हैं। अब इन दस्तावेजों का कोई अर्थ नहीं रहेगा, कई राज इनमें राज ही रह जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ठेकेदार को जो जिम्मेदारी दी थी, वह ठेकेदार बीच में काम छोड़ के चला गया और अफसरों ने उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। जितने भी ये जो लापरवाही हुई है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। कर्मचारी काफ़ी उनमें रोष है, उनमें इसके प्रति रोष है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जान खतरे में है। और जानकारी ये भी सामने आई कि जब बारिश हुई थी तो पूरे दफ्तर में जो है वो करंट दौड़ा था, ऐसे में जो कर्मचारी है उन्होंने बाहर भाग के अपनी जान बचाई। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, क्या पूरा मामला है? बड़ी लापरवाही है, कर्मचारी बाहर है, काम नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बारिश के अंदर जो कर्मचारियों का जो रिकॉर्ड था वो पूरा का पूरा जो है कि क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये कारण पूरी राजेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी की रही है, जिसने नवम्बर माह के अंदर इस सिविल वर्क का कार्य किया का टेंडर लिया था, जो कि अनुमानित लागत 15 लाख रुपए का था। और उसको उसने 3-4 महीने के अंदर कार्य को पूर्ण करने की उसमें अंदर टर्म्स कंडीशन थी, जो कि वो समय पर रहते हुए पूर्ण नहीं कर पाया। बिना सूचना देने के बाद भी उसने जो है कि कार्य को बंद कर दिया। ये एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है, जो भीग चुका है, इस तरह से खुले में सुखाने पे मजबूर है, क्योंकि अगर इस रिकॉर्ड का यहाँ पे फिर से इनको नहीं संभाला गया तो जलदाय विभाग, ये जो दफ्तर है जवाहर नगर का, ये चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लापरवाही किस तरह से यहाँ पे गवाही दे रही है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगला दफ्तर आपको दिखाते हैं, जहाँ भी लगातार पानी टपकने के कारण पूरा रिकॉर्ड है यहाँ ख़राब हो चुका है। अब ये रिकॉर्ड भीग चुका है पूरी तरह से और अब इन कोई काम का नहीं है। जो सरकार का किस तरह से यहाँ पे मनमानी से काम हो रहा है, जलदाय विभाग में किस तरह से लापरवाही अधिकारियों की रही है, ये सब सामने है। अब देखना ये है कि बड़े अधिकारी इस लापरवाही को ढकेंगे या फिर कोई कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।